कार्तिक ने बचाई नायरा की जान, बताया बिजली के पड़े थे तार, कुछ भी हो सकता था अंजाम। नंबर 48 ऑन टिरेन डिंग। बताओ भैया, चैन से मौत नहीं आ रही और यूट्यूब वाले ट्रेंडिंग पे चढ़ा रहे हैं। चेतावनी, वीडियो शुरू होने से पहले हेडफोन्स लगा लो वरना होने वाले हादसे को मैं नहीं रोक पाऊंगा। तो यारो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम आज के टाइम में अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें इंडिया में सबसे अच्छा काम कहाँ मिलेगा? बहुत लोगों के दिमाग में तो अभी जॉब चल रहा होगा, कुछ लोग चाहेंगे बिजनेस और कुछ लोग तो मेरे और रणविजय की तरह यूट्यूबर बनना चाहते होंगे, है ना? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यूट्यूबर बनने में कुछ नहीं रखा है भाई, अपना सीधी सादी सस्ती टिकाऊ जॉब ढूंढ लो, उसमें ही फायदा है तुम्हारा। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आओगे तो वीडियो डालते डालते बुड्ढे हो जाओगे, पर यूट्यूब तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 100 वीडियोस होने वाली हैं, अभी तक मुझे कोई फूटी कौड़ी नहीं मिली है यूट्यूब से। पर क्या करें, वीडियोस डालना पसंद है लोंडे को। तो भाई सोच ले, या तो ढंग का जॉब या बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा, या मेरी तरह यूट्यूब पे आके माँ चुदा। या और एक रास्ता है, अगर तुम्हारी भंगर के जैसी शक्ल है और तुम थोड़ी बहुत एक्टिंग जानते हो तो एकता कपूर के कभी ना खत्म होने वाले सीरियल्स में जाके अपना अंग प्रदर्शन कर सकते हो। वहाँ अच्छा पैसा भी मिल जाएगा और जॉब छूटने का टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सड़ी के मेन कैरेक्टर का दाह संस्कार ही क्यों ना हो जाए, पर सीरियल तो चलता ही रहेगा मैडम का। तो आज हम इन सीरियल्स की दौड़ में सबसे आगे जो टीवी सीरियल है उसकी गंदी गेंद फाड़ेंगे और उसके अंदर जितने भी चूतिए हैं उस हद तक जाएंगे। रही बात YouTube की, तो जिस दिन सारे बड़े यूट्यूबर्स के साथ में ट्रेंडिंग पेज पे दूसरे तीसरे नंबर पे घुस के जब मेरा वीडियो तुम सबके सामने खड़ा हो जाएगा ना, तुम्हारे पेशाब छूट जाएंगे, पेशाब छूट जाएगा तेरा। जिस दिन एब्सोल्यूट आर्यन का वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आके खड़ा हो जाएगा, समझा? हाँ, चुतिया लोग साले। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो यार फिलहाल अभी ट्रेंडिंग नंबर 9 पे चल रही है कुंडली भाग्य। नहीं, मुझे एक बात बताओ, इस भाग्य की कुंडली किस भोसड़ पप्पू ने लिखी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? नहीं, मैं टीवी देखते देखते बड़ा हो गया, लेकिन इन दोनों की अभी तक लव स्टोरी का दी एंड नहीं हो गया तेरा। अब अगर मैंने इनकी जरा सी भी क्लिप अपने वीडियो में यूज की तो ये अभी के अभी डायरेक्ट मेरा दशहरा मना देंगे। नहीं 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 नहीं, अब तीसरे और सबसे आखिरी नंबर पे आता है मोस्ट पॉपुलर शो नजर। नहीं, जिस शो की डायन ही इतनी सेक्सी हो तो वो शो चलेगा कहाँ, टट्टे खुजला के दौड़ेगा। और कुछ उत्तर प्रदेश के लोंडे ज्यादा ही ठरकी हो गए तो वो तो घर वालों के सामने सीरियल देखते देखते रगड़ देंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? अब इसका मुझे चुतियापा आज तक समझ नहीं आया, कभी इसमें डायन उड़ के आग उगलने लगती है, कभी डायन का लोंडा चालू हो जाता है, और कभी कभार तो घपा घप होने तक की नौबत आ जाती है। तो बस मेरे यारों, पता है वीडियो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, पर हम जरूर इसका पार्ट 2 बनाएंगे। बोलो, मांगता है? मांगता है कि नहीं? अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो स्वागत के लिए सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ के घंटे के पर लगाना मत भूलना। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, डू जिमिंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हैप्पी दशहरा। बचपन से लेके आज तक ऐश कराई, खिलौनों की दुकान मेरे रूम में सजाई, याद जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे पापा, तूने उधार पकड़ के मुझे बाइक की दिलाई, फिर फकीरों जैसी हालत खुद पे तरस ना आता है, ले दिया महंगा फोन, खुद टूटा हुआ वो चलाता है, खाता नहीं खाना वक्त पे, हमारे लिए करता खुश रहने का नाटक, असल में आंसू बहाता है।